नमस्कार बच्चों, हम गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास का। इसमें हम पढ़ रहे हैं सिलाई और कढ़ाई। पिछली क्लास में भी हमने बखिया, सादा टांका, कच्चा टांका, बड़ा कच्चा टांका आदि पढ़े थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं अभी तुरपन और हेमिंग का, कि जिस और के कपड़े में से धागा निकालते हैं वहां के किनारों को सिलने के लिए तुरपन का प्रयोग किया जाता है। अब तुरपन का प्रयोग कहाँ कहाँ कर करके फ्रॉक, पेटीकोट, पजामा आदि में नीचे की ओर तुरपन की जाती है। इससे कपड़े में सुंदरता आ जाती है, तुरपन से कपड़ों में सुंदरता आ जाती है। और तुरपन हमेशा कपड़े की उल्टी ओर से ही की जाती है। और ध्यान में रखना चाहिए कि सीधी ओर आने वाले टांके बराबर दूरी पर हो और छोटे छोटे हो। इससे छोटे छोटे टांके जो है बाहर से नहीं दिखेंगे। अब है बटन। आपने बटन देखे ही होंगे कैसे होते, गोल होते हैं, छोटे चपटे होते हैं, सीप के आकार के होते हैं। बटन गोल व चपटे होते हैं, धातु के भी होते हैं, सीप, फाइबर, प्लास्टिक के बने होते हैं। यह दो तरहों को रोकने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कफ, कॉलर, कमीज और पैंट, दो तरहों को आपस में रोकने के लिए। फ्रॉक, कोट आदि में लगाए जाते हैं और वस्त्र की साइज के अनुसार इनका आकार होता है। कभी कभी कोट और फ्रॉक आदि में केवल सुंदरता के लिए भी बटन का उपयोग किया जाता है। इसमें दो पर चार छेद होते हैं। तैयार कपड़े को पहनने के लिए बटन होना अति आवश्यक है। बटन का रंग तथा डिजाइन वस्त्र के रंग और डिजाइन के अनुसार ही लगाना चाहिए, तभी वस्त्र सुंदर दिखता है। ये है चित्र है जिसमें कि ये तुरपन करी गई है। देखिए कितने छोटे 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 ये टांके हैं, बहुत बारीक बारीक टांके हैं। ये हेमिंग और तुरपन का नमूना है किसके टांके कैसे होते हैं। अब है काज। तो बटन लगाने के लिए काज बनाए जाते हैं, जो बटन विभिन्न वस्त्रों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे पैंट, निकर, कमीज, कुर्ता, बुशर्ट आदि में इनका उपयोग होता है। अतः उन सभी वस्त्रों में काज बनाए जाते हैं। अच्छा काज बना वस्त्र की सुंदरता को बढ़ा देता है, कि जिस वस्त्र में काज बनाना हो उस वस्त्र की दाहिनी ओर की पट्टी पर काज बनाने के लिए पेंसिल से निशान लगाते हैं। और यह निशान कैसे होते हैं, कि बराबर दूरी पर लगाए जाएं। अगर इनकी दूरियों में अंतर हुआ, आगे पीछे हुए, तो यह सुंदर नहीं लगेंगे और वस्त्र की सुंदरता को भी खराब करेंगे। कुछ दूरी पर चारों ओर कच्चे टांके लगा लेने से काज सुंदर व मजबूत बनता है। काज की चौड़ाई बटन की चौड़ाई बहुत बड़ा हो, ताकि बटन लगाने में कठिनाई ना हो, काज को उसी रंग के धागे से बनाया जाए जिससे सिलाई की जाती है। और कपड़े के रंग का होना चाहिए धागा भी। काज को बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से भरना चाहिए। इसमें सदैव सुई को काज के ऊपर अंदर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं तथा फंदा डालते हैं। काज का आदि अंत एक ही स्थान पर होना चाहिए। जैसे कि जिस स्थान से हम काज बनाना शुरू कर रहे हैं उसी स्थान पर लाकर उसको खत्म करना चाहिए। धागा खींच कर रखते हैं जिससे कि काज मजबूत बनता है और उसमें बीच में लूप नहीं आता। ये देखिए, ये है, ये काज है। इसको ये सुई है कि कैसे सुई को अंदर से ऊपर ला रहे हैं। और ये जो है ये धागे हैं, तो यहाँ से जैसे ये यहाँ से शुरू किया काज बनाना,
तो इसको पूरा घूम के ऐसे लाके यहीं पर खत्म होना चाहिए कि जिस स्थान से हमने ताज बनाना शुरू किया उसी स्थान पर इसको खत्म होना चाहिए। और हर धागा को अच्छा खींच कर टाइट पकड़ना चाहिए जिससे कि मजबूत ताज बने। अब है आगे हुक आई। यह स्टील और पीतल और लोहे के बने होते हैं और इनका उपयोग पैंट निकर आदि में कमर के भाग के आगे की ओर अंदर लगाते हैं। इसमें एक भाग नीचे और दूसरी भाग ऊपर की परत होता है जिससे हुक की तरह ये फंस जाते हैं। हुक निम्न चित्रों के अनुसार निश्चित स्थान पर रखकर बटन होल से लगाते हैं ताकि पास और सफाई से लगे होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा है ये है आपका हुक का चित्र। ये हुक है और ये जो है ये कपड़े में रखकर इसमें ये बटन होल इसको पास छोटे छोटे इसको टांकों में इसको भर देते हैं और इधर बीच में जिससे हुक कपड़े पर आसानी से फंस जाता है। और इसका भी धागा ये देखिए हमेशा टाइट और खींच कर रखना चाहिए। इस तरह लगाने से हुक कपड़े पर मजबूती से लग जाता है। इसी तरह आई देखेंगे हम कि आई कैसे बनाते हैं। ये है आई, आपको चित्र में दिख रहा है। ये आई के दोनों तरफ भी ये जो लगे हैं ये इनके दोनों तरफ भी बटन होल स्टिच से इसको भर दिया जाता है और ये कपड़ों पर इनको मजबूती से सिल दिया जाता है। आई धागे से बनाई जाती है और बनी बनाई धातु की विभिन्न प्रकार की बाजार में मिलती है। आवश्यकता अनुसार धातु की बनी हुई आई ले लो या धागों से वस्त्रों से वस्त्रानुसार बना लो। जैसे ब्लाउज टॉप आदि में धागे से बनी हुई आई का उपयोग करते हैं। अब ये देखना है, अभी हमने देखा था कि बाजार में जो आई मिलती है अब कि हम धागे से किस तरह आई बना सकते हैं। धागे से आई बनाने के लिए धागे तीन या चार तार एक जगह से निकाल लिए जाते हैं। उसके पश्चात धागा आगे करके लूप बनाए जाते हैं और बड़ी आई छोटी आई जैसी बनानी आप बना सकते हैं, नहीं तो हुक निकल जाता है। आई बड़ी नहीं बनानी चाहिए आपको। हुक के हिसाब से अगर आई आप बहुत बड़ी बनाएंगे तो उसके बीच में से हुक निकल जाएगा और वह फंस नहीं पाएगा। ये देखिए कपड़ा है, ये सुई है और ये देखिए ये ऐसा आपको जितना बड़ा आई बनाना आप कपड़े में से निकाल लो, दो तीन बार ऐसे लपेट कर अपने साइज का ये बना लीजिए। इस तरह से ये देखिए ये आई जब बनेगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा और दूसरी तरफ उसको फिर आप टक कर दो, सिल दो तो आई मजबूत हो जाता है। अब है कढ़ाई। समाज के विकसित होने के साथ ही आजकल से प्रत्येक देश में कढ़ाई की प्रथा चली आ रही है, आज फैशन के रूप में ने ले लिया है। इससे वस्त्रों की सुंदरता में भी चार चांद लग गए। अब कढ़ाई के जो जाते हैं देखते हैं, पहला है चैन स्टिच। इसको जंजीर का टांका भी कहते हैं। यह सबसे सरल कढ़ाई का टांका है। यह टांका कपड़े के दाहिने ओर सुई में धागे का पर्दा बनाकर सुई नीचे कपड़े में घुसा कर ऊपर निकालते हैं। इस तरह सुई से फंदे को मैं घुमाकर बनाते। ये देखिए ये है, ये बीच में ये ऐसे ऐसे क्या बन रहे हैं, टांके बनते जा रहे हैं। यह सुई है और धागा ऐसे घुमाकर निकालते हैं तो यह चैन स्टिच इस तरह से बन रहा है। इस चैन स्टिच यह टांका कढ़ाई में बॉर्डर लाइन
ये डिजाइन में डंडियां या टहनियां बनाने के काम आता है और भी कढ़ाई के या अन्य टांकों से आसान होता है। फिर बटर रोल स्टिच यह कांच टांका है, अतः यह कांच भरने की भांति बनाया जाता है। इसका उपयोग पटवर्ली कढ़ाई में अधिक किया जाता है। फिर सेटिंग स्टिच इन टांकों को गोल एम्ब्रॉयडरी कहते हैं क्योंकि यह ऊपर नीचे से गोलाई में चलती है। यह टांका दोनों ओर से एक जैसा दिखता है। स्टेम स्टिच एप्लिक कट आदि में यह टांका डाला जाता है। यह एक फैंसी स्टिच है। यह देखिए एप्लिक यह है सेटिन स्टिच। इसमें जैसा सामने दिख रहा है यह सामने दिख रहा है, पीछे भी यह पूरा ऐसा ही भरा दिखेगा। इसको पास पास अच्छे से बनाना चाहिए। इसमें सुंदरता बहुत अच्छी आती है। इसमें कलर का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। फिर है फ्रेंच नॉट स्टिच। यह फूल टांका कहा जाता है जो फूलों और पक्षियों में डाला जाता है या आउटलाउंड बनाने के काम मोतियों के स्थान पर बनाया जाता है। इसकी सीनरियां बनती हैं। यह चित्र में हम बताएंगे इसके सुई के ऊपर एक दो बल डालकर बाएं हाथ से अंगूठे से धीरे धीरे सुई की उल्टी करके दबाओ और सुई नीचे ले जाओ। दोबारा उसके बिल्कुल साफ सुई निकाल कर दोबारा दो बल डालकर उसी प्रकार गाना बनाते। इसमें सुई को ऊपर निकालते हैं कपड़े से और ऐसे दो तीन चार बार ऐसे उसमें लपेट लेते हैं और फिर धीरे से सावधानी पूर्वक सुई को नीचे ला देते हैं। तो इस तरह से ये टांका बन जाता है। देखिए सुई है और इसमें ऐसे ऐसे करके ये धागा इसमें तीन चार बार उसमें सुई के आजू बाजू लपेट देते हैं। अब ऋतुओं के कारण पर्वतवासियों का अधिकांश समय घर पर ही व्यतीत होता है, अतः यह कला और भी अधिक विकसित है। इस प्रकार कढ़ाई करने का इतिहास कश्मीर की कशीदा कढ़ाई। कश्मीर की कढ़ाई किए हुए वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल के अतिरिक्त कश्मीर की कढ़ाई साड़ियों पर भी देखने को मिलती है। सिल्क और अन्य प्रसिद्ध है। कश्मीर की कढ़ाई को कशीदा कहते हैं। इसमें साधारण टांके हैरी बोन जल्दी टांका प्रयुक्त होते हैं। काढ़ने वाले प्राकृतिक सौंदर्य को ही वस्त्रों में सजीव कर देते हैं। नमूनों का भाव नहीं है। कशीदा कढ़ाई में वस्त्र दोनों ओर से सीधे रहते हैं। कढ़ाई के रंग बिरंगी ऊनी और रेशमदारों का प्रयोग होता है। रंग बिरंगी चिड़ियों के नमूनों की अधिकता होती है। इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। प्रत्येक टांके की सूक्ष्मता और स्पष्टता बाल रेखा को देखकर मानव उंगलियों की गंभीरता पर अचंभित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। कश्मीर का नमदार कलीसे के समान काम आने वाले मोटे ऊन फेज आदि किया हुआ वस्त्रों पर इसमें रंगी ऊनी धागों का प्रयोग होता है। वर्तमान में कढ़ाई द्वारा पश्मीना शॉल नमदार की कोजी कोट कार्डिगन आदि बनते हैं जो बहुत ही लोकप्रिय रहते। अब है कांथा। तो कांथा वास्तव में कोई नई वस्तु नहीं है बल्कि दो छोटे पुराने कपड़ों की कई तह या दो कपड़ों की तह के बीच सुई नमदा फोम लगाकर विशेष टांकों से सुसज्जित किया जाता है। यह मोटी गद्दी की तरह बनाया जाता है और इसके किनारों के पहले सिलते हैं। यह वस्त्र बंगाल में अधिक प्रचलित है। फटे पुराने वस्त्रों का इसमें उपयोग हो जाता है। रंग और नमूनों में सुंदर तरीके से कढ़ाई कर उसके सौंदर्य को बढ़ा दिया जाता है। राजस्थान के गरिया लोहार कांथा का अधिक प्रयोग करते हैं। हर गरीब घर में इसका सभी उपयोग करते हैं जो उन्होंने बिछाने के काम में आता है। अब है कच्छ और फुलवारी। कच्छ और फुलवारी यह कच्छ फुलवारी के लिए कच्छ क्षेत्र विशेषकर प्रसिद्ध है। वस्त्र पर बॉर्डर और फूलों के नमूने बनाए जाते हैं। हाथी तोता आदि के रूप में वे इन वस्त्रों पर बनाए जाते हैं। अधिकांश कढ़ाई जंजीर टांकों से की जाती है। हेरिंग बोन टांकों से इसमें बॉर्डर आदि बनाए जाते हैं। तो इन टांकों का प्रयोग करके वस्त्र में
बहुत अधिक सुंदर बनाया जा सके।